जी आदाब भाई साहब, आदाब। आदाब। मैं मास्टर सराफत हुसैन, सहारा प्रॉपर्टी 50 यूट्यूब चैनल। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ जो आपकी जो प्रॉपर्टी है, हाँ जी, इसकी कितने गज में है, क्या है? ये सब 3000 गज में है ये प्रॉपर्टी, और नेट और नूरपुर रोड पे है, और सड़क से ये 80 मीटर हट के है। अच्छा, ये बेच रहे हैं आप इसको? हाँ, बेच रहे हैं जी इसको, हम सेल कर रहे हैं। सेल कर रहे हैं, हाँ। भाई कोई भी ले इससे कोई दिक्कत नहीं? मैं कोई भी ले इससे कोई दिक्कत नहीं है मैं। अच्छा, ये प्रॉपर्टी आपके पास पुश्तैनी है, बैनामा नहीं है? मैंने बैनामा कराया था साहब, मैंने खुद 3 बीज खरीदी थी। अच्छा, खरीदने के बाद उसमें मैंने बिल्डिंग बनाई। बिल्डिंग बनाई थी, हाँ। अच्छा, ये जैसे कि बिल्डिंग बहुत अच्छी दिख रही है मैं आपको, हाँ, देखा तो। अब इसको अपना मोबाइल नंबर बताओ। मोबाइल नंबर मेरा 9756538546। हाँ भैया, आप भी अपना नंबर बता दो। 9917857023। अपना नाम वगैरह सब बताओ। मेरा नाम रमन कुमार है। डॉक्टर रमन कुमार, हाँ। डॉक्टर साहब, अपना जहाँ मिलोगे ज़्यादातर वो एड्रेस बताओ। मैं मिलूँगा तो शुगर मिल तिराहा है, नूरपुर रोड, जैतरा, धामपुर में ही आपको, क्योंकि मेरी मैं अपनी क्लिनिक पे बैठता हूँ सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, और वहाँ जो मेरी प्रॉपर्टी है यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर दूर है वो। जी जी, नेट और नूरपुर रोड पर। जी जी, ठीक है, आप जब मुझे वहाँ बुलाएंगे मैं फ़ौरन पहुँचाऊँगा। पहुँच जाएंगे, है नहीं? आप दिखाएंगे या आपका बेटा दिखाएगा? हाँ, दोनों में से कोई ना कोई दिखा देगा। दोनों का नंबर हमारे पास आ गया। हाँ जी, और देखो साथियों, हमारा ये कहना है कि आप इनसे बात करें। ये मैं मास्टर सराफत हुसैन, मैं मास्टर सराफत हुसैन, सहारा प्रॉपर्टी 50 यूट्यूब चैनल। आपको मैं पूरा ब्यूरो के साथ मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ प्रॉपर्टी की, और इसको देखिए, बड़ा अच्छी मौके की जगह है, और इसको आप पसंद कीजिए। देखिए रेट भैया जी बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे, बाकी पहले आप देख लें। देख लें, है ना? देखने चलो, देख के आप पसंद कर लें, पहले पसंद कर लें, हो जाएगी। हाँ जी, ओके, थैंक यू, थैंक यू। सहारा प्रॉपर्टी 50 यूट्यूब चैनल, सहारा प्रॉपर्टी 50, सहारा प्रॉपर्टी 50। साथियों, ये यूट्यूब चैनल है और प्रॉपर्टी से संबंधित चैनल है। आपको मकान दुकान लेना हो, बेचना हो, कहाँ पर बिक रहा है, उसकी पूरी लोकेशन हमें अपने चैनल पर डालते हैं। करते उन्हीं का काम है भाई, जो लोग बेचने वाले होते हैं और उनका पेपर सब ओके होते हैं। आज मैं नेहटोर से नूरपुर रोड पर एक जगह है आकू, नेहटोर से नूरपुर रोड पर ही आकू है एक जगह, और 5 किलोमीटर पर नेटवर्क से जब आप चलेंगे तो 5 किलोमीटर पे ये हाईवे है सामने, ये चक रोड है यहाँ पर, तो ये चक रोड जा रही है आपकी, आगे जा रही है। देखिए हाईवे, देखिए गाड़ियाँ कंटिन्यू आ रही जा रही हैं। हाँ डॉक्टर साहब, अब ये बताओ, ये मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ तक गया है ये? यहाँ तक है, आगे चलो, चलते रहो, रुकिए मैं आपका इसमें आ जाओ, यहीं आ जाओ। हाँ आदाब डॉक्टर साहब, आदाब। इसके इसके कहाँ कहाँ को बताओ? ये यहाँ से चलिए, यहाँ लगभग 200 फीट है वो। अच्छा, 200-250 फीट का वो है ये फ्रंट इसका। अच्छा, तो ये फ्रंट तो हो गया, आगे कहाँ तक है ये रास्ता? कहाँ रास्ता तो आगे निकल गया, बहुत आगे, किलोमीटर आगे निकल गया। कौन से क्या क्या पड़ेगा इस पर? ये नहर पड़ेगी एक आगे, बहुत आगे। गाँव का नाम? कोई गाँव का नाम तो इधर मैं इधर का पता नहीं कौन सा गाँव है। अच्छा, मतलब बस्तियाँ हैं? हाँ बस्तियाँ हैं। कहना मतलब ये है कि इधर आबादियाँ खूब हैं, आगे की तरह आबादी है, हाँ। और बड़े मौके की जगह पे है ये, हाँ, मौके की है ना, हाँ। बिल्डिंग अच्छी बनी हुई है, बढ़िया, हाँ। अस्पताल के हिसाब से बनाई हुई बिल्डिंग है, हाँ। और देखो ये रहा हाईवे, हाँ। मैंने बताया हाईवे चंद किलोमीटर, चंद मीटर, लेकिन 50 मीटर मान लीजिए 60, क्योंकि हाईवे पर जब 4 लेन बनेगा ये, हाँ, तो, ये तो कितना आगे आ जाएगा। यहाँ देखिए कहाँ ये है ना, और आगे चल के स्थिति क्या बदलती है तो कुछ पता नहीं, लेकिन जाहिर है रोड के बहुत करीब। जो साथी इस अस्पताल को लेंगे तो शायद इसको भी कोई लेने की बात करें, आगे जब काम बनाता है, मैं तीसरा बना लेता है। तो साथी मैं आपको ये रोड दिखा रहा हूँ, बिल्डिंग भी दिखा रहा हूँ प्रॉपर्टी पूरी, और यहाँ पर दिव्या दिव्य ना दिशा प्राकृतिक चिकित्सालय का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, होल्डिंग, हाँ होल्डिंग लगा हुआ है, और यहाँ पर ये हम देख रहे हैं बिल्डिंग है। देखो कितनी बड़ी शानदार बिल्डिंग बना रखी है,
क्योंकि अपने लिए बनाई थी, अपने मकसद के लिए थी कि उन्होंने कॉलम भी इतने हिसाब से बनाए हैं, बढ़िया कॉलम खड़े कर रहे हैं चारों तरफ से, बैकअप बहुत बढ़िया किया है, बहुत अच्छा। ये पूरा कंप्लीट है, पीछे अलग अलग कमरे बने हुए हैं, ये सब बना हुआ है, ऊपर की सिलेंडर डालने की तैयारी वक्त। डॉक्टर साहब ये कितना ऊंचा उठाया आपने, ये क्या ऊंचाई मान के चले, क्या ऊंचाई है इसकी, नहीं कितनी ऊंचाई है ये, लगभग कौन बीघा में है ये, अरे ऊंचाई कितनी है ये, हाइट क्या है इसकी, हाइट इस बिल्डिंग की दीवारों की हाइट क्या है, हाइट इसकी, हाइट है इसकी 12 फीट, 12 फीट। देखिए भैया जी बता रहे हैं लगभग जो ऊंचाई है वो है, इसके ऊपर आप और ऊंचा करना चाहें तो 1.5-2 फीट उठा करके अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो इसको ऑलरेडी रेडी पोजिशन में बनाया है, सिर्फ सिलेंडर डालना बाकी है। अगली बात मैं ये कह रहा हूँ साथियों, काफ़ी बड़ा सिस्टम बना रखा है और इधर पूरा स्टाफ के रहने के हिसाब से भी बनाया है, पार्किंग का हिसाब भी दिया है, गाड़ी की पार्किंग के हिसाब भी बहुत बढ़िया, ये सब पार्किंग का हिसाब है, चारों तरफ बाउंड्री, और मैं आपको ये बेसमेंट है नीचे बना हुआ। क्योंकि अस्पताल बनाया है तो चीना भी उसी अंदाज में बड़ा खूब, जितने चाहे मरीज आए, जाहिर है ऐसे जगह पर मरीज बहुत आते हैं, एकांत में है, बड़ा अस्पताल बनाने की, देखिए बहुत बढ़िया, देखिए कितने खूबसूरत अंदाज से बनाया है मरीजों के हिसाब से, जनाब ने कमरे भी बहुत अच्छे बना रखे हैं, हर साइज का कमरा बनाया है। ऐसा कितने कमरे हैं इसमें, इसमें इसमें 9 कमरे हैं, ये ऐसे 9 कमरे हैं मरीजों के रहने के लिए, जिसमें मरीज अपना और जीते चाय बना सकते हैं। और इसमें इन्होंने बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बड़े बड़े लग रहे हैं, देखो इसमें बड़ा इन्वर्टर लग रहे हैं, ये 8 बैटरे रखे हैं इसमें, समझ गया, अंधेरा हो रहा है नीचे करने का, हाँ 8 बैठ रहे हैं ऊपर, ये तो हम ऊपर पहुँच जाएंगे, चलो ठीक है। फिटिंग वगैरह, पानी की फिटिंग, पाइपलाइन की फिटिंग और गैस फिटिंग वगैरह सब कंप्लीट कर रखी, रोशनदान बड़े बड़े लगाए हैं ताकि आसानी से, शीशा वगैरह लगा है, ये ऑफिस बना है जी। देखिए एक बात बहुत बढ़िया है, डॉक्टर साहब ने जो ख़ास ख्याल रखा है बैठने वाले जो इस बंदे में कुर्सी बैठे उसको भी ख्याल किया है, पंखे का, और जो मरीज होगा उसको भी ख्याल किया, पंखे डबल डबल रखे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। बता रहा हूँ 22 कमरे की, बता रहा हूँ 22 कमरे की नींव भरी पड़ी यहाँ समाज तक, जिसमें मरीज ठहर सकते हो, हाँ जी, जो बनेगी बिल्डिंग बिल्डिंग नहीं भरी पड़ी है, नहीं भरी पड़ी है, लो इधर ये पिलर वगैरह सब, अच्छा कॉलम वगैरह लगे हैं सब में, हाँ सब में ये रेडी है, रेडी है, हाँ डॉक्टर साहब, हाँ जी, अब वो रोशनी की तो कुछ आ जाओ, बिल्कुल रोशनी है बढ़िया, या और आगे चले जी। जी आदाब भाई साहब, आदाब जी, आदाब, मैं कह रहा था कि आपकी बिल्डिंग है, हाँ जी मेरी बिल्डिंग है, अपना नाम पता बताइए। मैं डॉक्टर राकेश कुमार हूँ, मैं धामपुर से बिलोंग करता हूँ, और मैंने ये हॉस्पिटल के लिए बनाई थी बिल्डिंग, पूरे 3 बीघे में है ये, 143 में है, और बना में शुदा ज़मीन है, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की, कोई विलेज से कोई दिक्कत, कोई विलेज से कोई दिक्कत नहीं है, कोई वाद विवाद, कोई वाद विवाद नहीं इसमें, हेलो अकेले मालिक हैं, हाँ मैं अकेला मालिक हूँ, बैनामे से बैनामा होगा, बैनामे से बैनामा होगा जी जी। अच्छा अब जैसे कि अच्छा 143 में है ये, इसमें जिला परिषद से पास है ये, अच्छा और ये फायर से भी पास है, फायर ब्रिगेड से पास है, हाँ बहुत बढ़िया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये कितना एरिया बताया आपने, ये 3 बीघा है, 3 बीघा है, हाँ
बाउंड्री सब लगभग कंप्लीट है, कंप्लीट है बाउंड्री, और कमरे भी कंप्लीट है लगभग। जी जी जी, जी। थोड़ा सा मेंटेन करके इसको अस्पताल रेडी हो जाएगा। जी बिल्कुल रेडी है अस्पताल, रेडी है। ये तो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा में उधर 18-19 कमरे बने हुए हैं। ठीक 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 जी। मैं मास्टर सराफत हुसैन, सहारा प्रॉपर्टी 50 यूट्यूब चैनल। साथियों, आप सब जानते हैं मेरे बारे में, अच्छे समझते हैं। मैं बड़ी क्लीन बात ये करता हूँ कि जो प्रॉपर्टी स्वामी होता है, खुद मालिक, उनका इंटरव्यू डालता हूँ, उनकी बात कराता हूँ, उनका मोबाइल नंबर देता हूँ, ताकि आप आसानी से उनसे बात कर सकें, और बीच में जो दलाली लोग करते हैं वो ना हो। भाई जो मालिक देगा, ऐसा लेने वाला देगा, वो मालिक पर पूरा पैसा जाए, वो अपनी दक्षिणा आपस में लेना देना वो अलग चीज़ है, लेकिन अलग से ये नहीं होगा यहाँ 20 लाख मार दिया, 50 लाख मार दिया, ऐसा नहीं होने का। यहाँ पर जो एक्चुअल बात होगी वो फाइनल बात होगी। मैं सारा प्रॉपर्टी 50 यूट्यूब चैनल, साथियों फिर मैं ये बात कहूँगा अपनी तरफ से, अपनी जानिब से, ऐसी प्रॉपर्टी बहुत कम मिलती है जिसमें 143 हुई भी हो, बिल्डिंग लगभग कंप्लीट हो, और ज़्यादा महंगी नहीं है, महंगी नहीं है। अगर मुझसे रेट मालूम करना चाहे तो मुझसे बात करना, या भैया जी से बात करेंगे वो बता देंगे औसत रेट की है। इसी बिल्डिंग में तो पैसे जितने बता रहे हैं उसमें लग जाते हैं, वैसे ही ज़मीन अलग से है, तो बेसमेंट बना है ना नीचे उसके वजह। अच्छा देखिए, एरिया देखिए, एरिया नेटवर्क से 5 किलोमीटर, नूरपुर से 15 किलोमीटर, और रास्ते में कहूँगा 20-22 गांव हैं, अस्पताल की ज़रूरत है। आपको हाँ पास में आपको गाँव है, ये इधर कौन सा गाँव है प्रकाश? नंदेड़ा नहीं, आपको के पास ये कौन सा गाँव है? मजरपुर है, कई गांव हैं आसपास। हाँ, ये 8-10 गांव हैं आसपास में। हाँ, नसीरपुर भी पास में है। हाँ, और क्या नाम, ये 1 किलोमीटर है, कौन सा गांव है ये? टेड़ा है। हाँ, ये मतलब मैं समझ रहा हूँ 8-10 गांव पास पास में। 8-10 गांव पास पास में। हाँ, इसे एक बड़े अस्पताल की ज़रूरत है यहाँ पर, और आप आइए बनाइए। या अब दूसरे शब्द में बोलूँ मैं आपसे, ये तो रही मेरे अस्पताल की बात कहने की, वो दूसरी वीडियो में बताऊँगा, क्या ना मतलब मैं रेस्टोरेंट से संबंधित बात बताऊंगा। ओके, थैंक यू थैंक यू।